हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकरा शेख एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी, कैसे हैं सब? अभी मैंने लास्ट में व्लॉग एंड किया है थोड़ी देर पहले, सो मैंने कहा दोबारा से जो है व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं B&B की एक किट लेकर आई थी। तो सबसे पहले उसको छोड़ें, जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं वीडियो पर, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। सो दोबारा से ये चलते हैं हम किसकी तरफ, B&B किट की तरफ। सो B&B की मैंने एक किट ली है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ वो मैं अपने फेस पर जो है ट्राई करके देखती हूँ। उसमें तीन चीज़ें निकली हैं B&B किट में, फेस वॉश, स्क्रब और मास्क। सो अभी निकालती हूँ मैं फेस वॉश, फिर मैं फेस वॉश करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, तो फिर मुझे शावर भी लेना है। तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ना यूज़ कर लूँ, फिर मैं शावर लूँ जाके जल्दी से फटाफट। गाइस ये रही किट इसकी, ये रहा फेस वॉश, ये रहा स्क्रब, नीचे है मास्क, ये रहा इसका मास्क। तो अभी हम निकालते हैं फेस वॉश और हम जल्दी से जाकर जो है अपना फेस वॉश कर आते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं मतलब पूरा कर दिखाऊँगी, छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसा है ये, ठीक है? सो गाइस फेस मैंने अपना जो है अभी वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग फेस वॉश करने के बाद इस तरीके का रिजल्ट है। फेस को मैं जो है अभी अपना गीला ही रहने दूंगी, क्योंकि मैं लगाऊंगी अब स्क्रब, सो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा गीला ही रखेंगे, क्योंकि अभी मुझे गीला तो करना ही है। और मम्मी इस प्याले में पानी देगा थोड़ा सा, इस प्याले में पानी देगा मुझे थोड़ा सा इसमें, तो गाइस अब जो है मैं आइस पर से साफ कर जा रही हूँ फेस को वॉश करने के लिए। फेस वॉश कर आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? सो गाइस फेस जो है मैं वॉश कर चुकी हूँ, अब मैं यूज़ करूँगी इसका मास्क, जिसको हम पानी में भी बना सकते हैं और रोज़ वाटर में भी बना सकते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ, मेरे पास रोज़ वाटर है तो मैं रोज़ वाटर में बनाती हूँ, नहीं तो पानी में बना लेंगे। सो रोज़ वाटर हमें मिल चुका है, थोड़ा सा हम रोज़ वाटर लेंगे। यस, मास्क के लिए। और हम इसमें को मैं बना कर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस इस तरीके से इसका लिक्विड होगा, ठीक है? इसको हमने अच्छे से मिला लेना है, फिर हम इसे इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। फेस में पहले टिश्यू से साफ कर लूँ, सफाई कर लूँ। गाइस ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब गिरना शुरू हो गया है, तो मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सो गाइस फेस मैंने जो है अपना वॉश कर लिया है और ये रहा रिजल्ट आपके सामने। अच्छा है रिजल्ट, अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग को कोई यूज़ करना है तो आप लोग ले सकते हैं, अच्छा है। उसकी प्राइस पता है 2100
कुछ है, 2100 है, 2200 है, ऐसी कुछ इसकी प्राइस है। मैंने और भी चीज़ें साथ ली थी तो मुझे कंफर्म जो है याद नहीं आ रहा, और बाकी अच्छा है, बेस्ट है। तो अभी मैं चलती हूँ शावर लेने, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। सो गाइस, शावर जो है मैं ले चुकी हूँ, और अब जो है मैं क्या करूँगी, मैंने कल जाना है, कल है फ्राइडे, कल जो है हम लोगों ने जाना है बाहर इफ्तारी करने के लिए। अम्मी जाएंगी, मैं जाऊंगी, हिमशा जाएगी, पापा नहीं जाएंगे, उनको काम से जाना है तो उन्होंने मना कर दिया है जाने से। अभी हम निकालते हैं कपड़े, कपड़े निकालूं, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर मुझे जो है ना उठने के बाद जो है ना टाइम नहीं मिलेगा इतना, फिर हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, और इसीलिए मैंने जो है शावर भी ले लिया है ताकि जब उठूँ मैं नमाज़ पढ़ूँ, रेडी हूँ और निकल जाऊँ, ज़्यादा लेट ना हो जाता ना, मतलब देर ना हो, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, तो इसलिए जो है मैंने कहा अभी शावर भी ले लेते हैं और जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं, शावर भी ले लेते हैं। सॉरी। तो जी मेरे पास ऑप्शन है, चार कपड़े हैं, ठीक है, जो के हैं चारों बिन सईद के। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं इन चारों में से कौन सा पहनूँ, ये तो मैंने रख दिया है अलविदा पे, ये मैं अलविदा पे पहनूँगी, ठीक है। अब इन तीनों में से मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा पहनूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं ये वाला पहन लूँगी या फिर ये वाला, इन दो में से कोई पहन लूँगी। ये मैं बाद में पहनूँगी क्योंकि ये पिंक पिंक सा है ना, पिंक पिंक कलर में पहन चुकी हूँ अभी एक दो बार, अभी भी पहनी हुई हूँ, तो इसी लिए जो है इन तीन में से कोई ना कोई पहनना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला, मैं डिसाइड किया कि मैं ये पहन लेती हूँ। तो अभी जो है मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस कर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो है बिन सईद के कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं काफ़ी पहनती हूँ, और कैजुअल में आप पहन सकते हैं, कहीं पार्टी वेयर में भी नॉर्मल, जैसे अभी मैं इफ्तार पार्टी के लिए जा रही हूँ बाहर, तो पहन सकते हैं, बड़े अच्छे होते हैं ये। और ये जो है इसका टैग जो है वो तो है 3700 का, 3700 का है, बट ये 3500 में मिल जाएगा। अभी नहीं पता, अभी पता नहीं महंगा हो गया हो क्या है, वैसे 3500 में मिल जाएगा। अभी मैं इसको करती हूँ प्रेस। तो जी ये तो हो चुका है प्रेस, और सहरी का टाइम हो चुका है, चलते हैं किचन में जल्दी से सहरी के लिए। तो बस जी यहाँ पर 11th में सहरी की तैयारी हो रही थी, पराठे बना रही थी इन लोगों के लिए, बाकी फैनियाँ वगैरह जो रोज़ाना की तरह बनती है, और मेरा बर्गर खाने का जो है बड़ा ही मूड हो रहा था, तो मैं अपने लिए जो है बनाऊंगी बर्गर, ये मैं अपने लिए बन सेक रही हूँ बर्गर के लिए। फिर मैंने अपने लिए बर्गर बनाया था बड़ा मज़े का, और वो खाया था सहरी में। सो अल्हम्दुलिल्लाह 11th में सहरी हो चुकी है डन। गाइस गुड मॉर्निंग, तो जी गुड मॉर्निंग हो गई है, उठ गई हूँ मैं, बस जी अभी जुम्मा पढ़ूंगी, मिलती हूँ आपसे। सो गाइस जुम्मा मैंने पढ़ लिया है, और सूट भी जो है मैंने चेंज कर लिया है, अब जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि देर हो गई। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और जो है अभी बस जाते हुए सर पर दुपट्टा लेना है, जल्दी से जाते हैं, सैंडल पहनते हैं, निकलते हैं, 4:30 हो गए हैं, क्योंकि हम लोग निकल गए हैं, जल्दी से जाते हैं हिमशा के घर, वहाँ से उसको लेते हैं और फिर जाते हैं लोकेशन पर। गाइस हम लोग जो है निकल चुके हैं जाने के लिए, बारी पहुँच कर लेते हैं। गाइस ये रहा रमज़ान ग्रीन का, जो कि इन्होंने बड़ा प्यारा सा डेकोर किया हुआ है, रात में तो और भी अच्छा लगेगा जब लाइट्स वगैरह होंगी, हैं पता नहीं पूछो। रिजर्वेशन करवा लेते हैं इसमें, गाइस चौपाल में तो हम लोग आ चुके हैं, बट हमने रिजर्वेशन नहीं करवाई थी क्योंकि इन लोगों ने जो है ना हमारी कॉल पिक नहीं की है। सो अभी जो है ना सब कुछ बुक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं, क्या पता हो जाए, नहीं होता तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में किसी और। सो गाइस फाइनली जो है हमारा हो गया
गाइस फाइनली हमने जो है ये जगह ली है, ऊपर मिली है, टॉप पर, टॉप पे मिली है, हमने बिठा लिया है। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं, हम तो फिर वहीं पोर्ट ग्रैंड जाने का सोच रहे थे। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जगह मिल चुकी है हमें। अब यहाँ से जो है इस तरह का व्यू है बाहर रोड का और वहाँ है समंदर। पिक्चर भी ले ली हमने, वीडियो भी एक बार बना ही ली, बाकी की हम जो है लेके जाकर बनाएंगे अब जब होगा खुल जाएगा उसके बाद। ये खा के चलते अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं इफ्तारी हो रही है हमारी और उन लोगों ने हमें, हम क्योंकि ऊपर बैठे थे तो वहीं पर ही इनके जो वेटर्स वगैरह थे उन्होंने हमें प्लेटें सब को ऊपर जितने भी लोग थे उनको सर्व कर दिए थे। सिर्फ समोसे, रोल और खजूरें वगैरह और शरबत, बाकी ये चीज़ें नीचे ही थी, मिनी मिनी सी थे समोसे भी रोल भी। समोसा और चुन्नू सा रोल खाया है भाई हमने भी, उन्होंने हमें इतना ही ला के दिए कि हम रोज़ा खोल के नीचे जाके कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो चुन्ना सही था, मिनी सा छोटू सा समोसा खाया, अब हम नीचे जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। अब ज़रा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी जैसे ये देना सैंडविच मेरे लिए भी, यही बस हम दोनों ही खाते हैं सैंडविच के लोग। यहाँ पे देखना कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मैं देती हूँ आपको ना, हमें जगह ही नहीं मिली फुल है। सो गाइस नीचे जाकर तुम्हें ये सारी चीज़ें लेकर आ गई हूँ अपने लिए, मैं तो अभी थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ ना, एक चक्कर अभी बाद में लगाएंगे, अभी फिलहाल मैंने कहा जो है ये खा लेते हैं कुछ करूँगी। पर पानी नहीं है क्या? पानी मंगवाया है ना, बहुत प्यास लग रही है ना। अम्मी को देखो बस खाने पीने को। हम थोड़ी देर आ गए हैं वॉक करने के लिए क्योंकि हम लोगों ने कुछ तो नहीं खाया, थोड़ा सा खाया है, बट फिर भी वॉक ज़रूरी हो गई। फिर मम्मी अंदर दोबारा लेकर आ गई हैं। दूसरा चक्कर जो है हमने लगा लिया था, ये लेकर आई है ये प्लेट, तो ये लेकर आई है, मैं नहीं लाई, ये खाती है बटे, मैं नहीं खाती, मैं तो ये मीठा लेकर आई हूँ स्वीट्स खाने के लिए। देखो 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 कैसे खा रही है ये पैसे वसूल गाइस, पैसे वसूल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं गाल कर रहे, वैसे हम लोगों से इतना खाया ही नहीं जाता, हम लोग बहुत कम खाते हैं। अम्मी नीचे ढूंढ कर क्या लाई हैं, आइसक्रीम लेकर आई हैं। मतलब हो खाओ 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 गाइस, ऐसे खाते हैं लोग। आइसक्रीम लेकर आई है अम्मी ढूंढ के। गाइस खाना शाना तो हम लोगों ने जो है खा लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, गाड़ी हमने बुलवा ली है अपनी, और मैं स्लो स्लो इसलिए बोल रही हूँ कि लोग देख रहे हैं। गाइस तो पार्क हम कर रहे हैं टाचा भाई और हम जा रहे हैं घर पे, और हमारी अभी तक गाड़ी पता कहाँ घूम रही है, अभी तक नहीं आई है, और हम बाहर ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं चौपाल से इस तरह से गाड़ी का वेट कर रहे हैं।
अच्छा वो रोड क्रॉस पे खड़ी हुई है गाड़ी हमारी, गाड़ी और बताए क्या है, हम लोग थोड़ी देर और भी रुक जाते बट नींद इतनी आ रही है, नींद ने कहा ना पुत्र ना पुत्र घर चली, तो नींद की वजह से जो है हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमें नींद आ रही है, तो हमें घर जाके सोना है तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो गाइस मैं जो है ना अभी फुल लुक वाली वीडियो जो है अम्मी से बनवाती हूँ, सो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फुल लुक, क्योंकि मैं वहाँ से आ गई थी और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, सो मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे पास बड़ा वाला मिरर अभी है नहीं, जब वो आएगा तो उसमें दिखा दिया करूँगी, अभी फ़िलहाल जो है अम्मी से दिखवाती हूँ। रेडी तो गाइस मैंने कहा अपना फुल लुक नहीं दिखाया था आप लोगों को कि, तो घर आने के बाद मैंने कहा कि मैं अपना जो है फुल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके का सूट है और मैं कैसी लग रही हूँ। सही से बनाया है व्लॉग, बना रही है दिखाएं बंद करें। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल व्लॉग बनाने की, मैंने जल्दी से सिर्फ शर्ट चेंज करी और मैं अब सोऊंगी, उठ कर बनाऊँगी वीडियो, मैं वॉच भी चेंज नहीं करी थी। चलो जी गाइस सहरी का हो गया है टाइम, चलते हैं सहरी बनाते हैं, आज तो मेरे से पारा भी नहीं पड़ा, सो गई थी, फिर जो है मैं वीडियोस वगैरह बनाने लग गई, तो अब जो है मैं जाकर सहरी करूँगी, फिर कपड़े भी जब भी चेंज करूँगी। गाइस रोज़ा हो चुका है, बन नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब जो है सुबह मिलते हैं हम लोगों से इंशाल्लाह। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, गाइस गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है, काफ़ी देर से हुई है व्लॉग मैं बना रही हूँ, और अभी चलते हैं इफ्तारी की तैयारी करते हैं, बार भी इफ्तारी की तैयारी करते हैं, वैसे आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जो भी काम करूँगी सिर्फ फ्राई करूँगी। सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ बारहवीं इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हमने, बस ये आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, आज सादे पकोड़े भी नहीं बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल भर जाता है इन सब चीज़ों से भी, सो बस रोज़ रोज़ यही खा रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आज, बाकी हमने समोसे बना लिए थे और नगेट्स रखे हुए थे, नगेट्स फ्राई कर लिए थे, और फिर इसके बाद हम लोगों ने जी हाँ फ्राइज बना लिए थे और पापड़ तल लिए थे, बस यही सब कुछ था जो भी है, पापड़ शापड़ यही चीज़ें थी आज, और अम्मी ने ब्लैक चने बनाए थे छोले वो थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमारी इफ्तारी हो रही, इफ्तारी की तैयारी हो चुकी थी डन, और यहाँ बारहवां रोज़ा जो है इफ्तार हो गया था। तो जी 12 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ओके जी बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिए।